शेखपुरा में दो अलग अलग जगहों पर घटित हुई चोरी की वारदात। शेखपुरा नगर क्षेत्र के खांडपर पर मोहल्ला स्थित एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। एक महीने से घर बंद था और मौका पाकर चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि घर का मालिक रिटायर इंजीनियर केदार पांडे शेखपुरा में एक माह से नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। हालांकि रिटायर इंजीनियर केदार पांडे के भाई रमाकांत पांडे ने बताया कि सुबह उठा तो देखा घर का ताला टूटा पड़ा है। जब अंदर देखा तो घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। ऐसे में घर में क्या था बड़े भाई के आने के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही केदार पांडे के आने के बाद शेखपुरा थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत किए जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं दूसरी घटना है बंगला पीर मोहल्ले के पुरानी मछलहट्टा पर स्थित एक निजी दुकान की, जहाँ स्वीट एंड सॉल्ट के नाम से दुकान संचालित है। दुकान रवि सागर कुमार के दुकान पर हाथ साफ करना चाहा, लेकिन दुकान में लगे मजबूत तालों की वजह से सामान की चोरी नहीं हो सकी और बाल बाल बच गए। हालांकि दुकान मालिक रवि सागर ने बताया है कि ताला नहीं टूटा, लेकिन दुकान के आगे लगे सभी एल्युमिनियम के लगे बैनर पर कीमती सामान चोरों ने ले भागे और जो सामान नहीं टूट सका उनको चोरों ने क्षतिग्रस्त भी कर दिया। ऐसे में दुकानदार ने लिखित आवेदन देकर अज्ञात के विरुद्ध शेखपुरा थाना में शिकायत दर्ज की है। रिपोर्टर अरविंद कुमार, शेखपुरा, बिहार।